क्या होगा अगर पृथ्वी से कीड़े गायब हो जाएं? क्या आप उन लोगों में से हैं जो इन रेंगते, उड़ते, कूदते जीवों से नफरत करते हैं? या शायद ये डंक मारने वाले कीड़े आपको डरा देते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि सारे कीड़े खत्म हो जाने चाहिए? अब अगर ऐसा हुआ तो पिकनिक कितनी बेहतर हो जाएगी और बागबानी भी। इन कीड़ों के गायब हो जाने से क्या दुनिया एक बेहतर जगह हो जाएगी, या इसके कुछ भयानक परिणाम होंगे जो हमें पहली नजर में दिखाई नहीं दे रहे हैं? आज हम देखेंगे कि व्हाट इफ, यानी क्या होगा अगर पृथ्वी से सारे कीड़े गायब हो जाएं? अगर आप ये सोचते हैं कि कीड़े सिर्फ आपको डराने और फसल व सब्जियों को खाने का काम करते हैं तो आप गलत हैं। वैसे पूरी तरह गलत नहीं है, क्योंकि कुछ कीड़े फसल बर्बाद करते हैं, त्वचा में जलन पैदा करते हैं, दर्द भरे डंक मारते हैं, और इससे भी बुरा वो मलेरिया जैसी भयानक बीमारियां भी फैलाते हैं। लेकिन 90% कीड़े हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वो तो हमारे और पृथ्वी के अन्य जीवों के लिए लाभदायक होते हैं। कहते हैं कि कीड़ों के बिना पृथ्वी बंजर हो जाएगी। अब यह स्थिति कितनी बुरी होगी? अगर हम पृथ्वी पर मौजूद सभी कीड़ों को एक तराजू पर तोलें तो उनका वजन सभी इंसानों के वजन से 300 गुना ज्यादा होगा। अगर आपको कीड़ों से बहुत डर लगता है तो शायद आप चाहेंगे कि मैं बातें यहीं रोक दूं। लेकिन मैं बस इतना और बता दूं कि सिर्फ चींटियों का वजन ही सभी इंसानों के वजन से ज्यादा होगा। अगर पृथ्वी पर से यह सारा भार कम हो जाएगा तो सबसे पहले किसान इसका जश्न मनाएंगे। उन्हें भूखे कीड़ों से अपनी फसल बचाने के लिए उन पर कीटनाशक नहीं डालने पड़ेंगे। लेकिन यह जश्न ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि कीड़ों के बिना हम सब जल्द ही भूख से मरने लगेंगे। नहीं, हमारा मतलब यह नहीं है कि थाईलैंड के वो साहसी लोग भूखे रह जाएंगे जो झींगुर और टिड्डों का नाश्ता करते हैं। दरअसल कीड़े वे जीव हैं जो प्रकृति में खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन को बनाए रखते हैं। कीड़े कुछ सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स, छोटे पक्षियों एवं मेंढकों का खाना होते हैं। सभी कीड़ों के गायब हो जाने से उन्हें खाने वाले जीव भी विलुप्त हो जाएंगे। इसके बाद मेंढकों और सरीसृपों को खाने वाले जीव भी भूखे मर जाएंगे, और इसी तरह खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर के जीव भी मरने लगेंगे। आखिरकार इस कड़ी में इंसानों की भी बारी आएगी। तो क्या आपको लगता है कि शाकाहारी भोजन करने से आप इससे बच पाएंगे? फिर गलत। पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधों में से 80% पौधों पर फूल लगते हैं। इसका मतलब है कि प्रजनन के लिए उन्हें परागण की जरूरत पड़ती है। कीड़े ही पराग कणों को अपने साथ पुंकेसर से स्त्री केसर तक ले जाते हैं। शायद आप कहेंगे कि हवा, पक्षियों और चमगादड़ों की मदद से भी तो परागण होता है। लेकिन परागण का ज्यादातर काम मधुमक्खियों, भंवरों, तितलियों, मक्खियों और पतंगों द्वारा किया जाता है। उनके बिना ज्यादातर पौधों का जीवन समाप्त हो जाएगा। आपकी पसंद के अनुसार आपके भोजन का 50-90% हिस्सा फूलों वाले पौधों से आता है। इन पौधों के खत्म हो जाने से न फल होंगे, न सब्जियां, न चावल और न गेहूं। इसका यह भी मतलब है कि गाय, मुर्गियां, ताजे पानी की अधिकतर मछलियां और उन सभी जानवरों का खाना भी नहीं मिल पाएगा जिन्हें हम मनुष्य खाते हैं। अब भले ही आप शाकाहारी हो या मांसाहारी, अगर कीड़े गायब हो गए तो आप भी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। कीड़ों के बिना आप जैविक कचरे के ढेर से भरी हुई पृथ्वी पर धीरे धीरे भूख से मरने लगेंगे, क्योंकि कीड़े न केवल छोटे जानवरों का भोजन है और पौधों का परागण करते हैं, बल्कि वे मरी हुई चीजों को भी खाते हैं, पत्तियों से लेकर लाशों तक। ऐसी दुनिया में आप बिल्कुल नहीं रहना चाहेंगे। और ईमानदारी से कहूं तो सभी कीड़े तो देखने में भद्दे नहीं होते हैं। क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता? तो अगली बार आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए सवाल के साथ।